इस वीडियो में आप देख सकते हैं तेलंगाना में कोरोना वायरस के अपडेट। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को 2000 रुपये और 25 किलो चावल कब से दिए जाएंगे और इसका तरीक़ेकार क्या है, ये भी देख सकते हैं आप इस वीडियो में। महाराष्ट्र में आज लिया जा सकता है लॉकडाउन का फैसला। लॉकडाउन ना लगाया जाए, वजीर आजम और चीफ मिनिस्टरों से ओवैसी ने कहा। अरब ममालिक में कोरोना वायरस की अपडेट और दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट क्या है, ये भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इन तमाम तरीन तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। तेलंगाना में 2909 अफराद कोरोना से मुतासिर। रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है जिसने अब तक के कोरोना केसों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जुमा के रोज़ रियासत में 2909 के कोरोना के केसेस सामने आए हैं। रियासत में गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा शुरू होने के बाद ये रिकॉर्ड सतह के मुस्बत केसेस हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2 सितंबर के दिन रियासत में सबसे ज़्यादा 2892 कोरोना के मुस्बत केस दर्ज हुए थे। बाद हज़ार रियासत में दिन ब दिन कोरोना के केसों में कमी हो गई थी और एक मौके पर जारिया साल जनवरी या फरवरी में कोरोना के केसेस 100 के अंदर दर्ज हो रहे थे, लेकिन मार्च के आखिर में मुल्क भर में शुरू होने वाले कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद तेलंगाना में रोज़ाना 100 से 200 केसेस दर्ज हो रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल के बाद तेलंगाना में भी अचानक कोरोना के केसों में इजाफा हो गया है और यह सिलसिला गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का इशारा, कुल जमाती इजलास में इत्तेफाक राय, आज कतई फैसला। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने हफ्ते को इशारा दिया है कि कोविड-19 के केसों में तश्वीशनाक इजाफे के पेश नज़र रियासत में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। एक कुल जमाती इजलास में शिरकत करने वाले बास वजरा और एक सीनियर बीजेपी लीडर ने यह बात कही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा कि वो पीर को समाज के बास तबकात के लिए एक मालियाती पैकेज तय करने के मकसद से एक इजलास मुनक्किद करेंगे जिनके गुजर बसर मुतासिर हो सकती है। उनके काबिनी साथी अशोक चौहान ने बताया कि लॉकडाउन की नवीयत मुद्दत वगैरह को जल्द खतियत दी जाएगी। कुल जमाती इजलास में लॉकडाउन के बारे में कोई रस्मी फैसला नहीं किया गया। रियासती बीजेपी के सदर चंद्रकांत पाटिल ने वर्चुअल मीटिंग के बाद बताया कि ऐसा मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर सख्त लॉकडाउन के हक में हैं। इस मीटिंग में जो 2 ज़ायद घंटों तक जारी रही कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुक्मरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अहम वजरा, अपोजिशन कायद देवेंद्र फडणवीस, सदर रियासती कांग्रेस नाना पटोले और दीगर कायदी ने इजलास में शिरकत की। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी का एहसास है कि लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन रियासती हुकूमत को पहले इससे मुतासिर होने वाले अफराद के लिए एक माली पैकेज तैयार करना चाहिए। पतोला ने कहा कि इनकी पार्टी चीफ मिनिस्टर के किसी भी फैसले की तायद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि लॉकडाउन के से गुज़िश्ता साल से कतई नज़र कम से कम असर पड़े। उन्होंने कहा कि हम मुतासिर आबादी के लिए माली पैकेज की तायद करते हैं। इस दौरान पतोला ने कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के लिए वैक्सीन की नाकिस सप्लाई को वजह बताई। रियासती वजीर PWD और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने बताया कि हुकूमत की तरजीह आवाम की जिंदगी और गुजर बसर को बचाना है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन के बारे में खतई फैसला आज यानी इतवार को किया जाएगा। लॉकडाउन ना करने वजीर आजम और चीफ मिनिस्टरों से बैरिस्टर ओवैसी की अपील। कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों में बेहतर इंतजाम की जरूरत। बीदर में मजलिसी बल्दी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी जलसे से खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वजीर आजम, चीफ मिनिस्टरों, जिम्मेदारान और अरबाब मजाज से अपील की कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन का फैसला ना करें। गुज़िश्ता साल मार्च में जो लॉकडाउन का फैसला किया गया तो वो गलत फैसला था। आज बिदर की शहर मारूफ दरगाह हजरत मुल्तानी बादशाह के रूबरू एक अज़ीम-उश्शान जलसे से बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है। कोविड से मुकाबला करना हो तो सबसे पहले हमारा अस्पताल के इंतजाम को दुरुस्त करना होगा। अस्पताल में खातिर ख्वाह अद्वियात, कोविड टेस्ट के लिए तमाम सहूलियात, ऑक्सीजन की सहूलियात के अलावा टीका अंदाजी का निज़ाम सही तौर पर किया जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन होता है तो हमारे मुल्क के गरीब आवाम कोरोना से नहीं बल्कि गुरबत से मर जाएंगे। हुकूमत लॉकडाउन लगाती है मगर गुरबा का कतई ख्याल नहीं करती। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन में मुहाजिर मजदूरों ने हज़ारों किलोमीटर का फासला पैदल तय किया ताकि वो अपने मुकाम को पहुँच सके। औरंगाबाद में गरीब मजदूरों जो अपने मुकाम को जा रहे थे रेल की जद में आकर हलाक हो गए। गुज़िश्ता साल के लॉकडाउन में कदीम बिदर शहर में रहने वालों पर बेशुमार पाबंदियां लगा दी गई थी। इन्हें कदीम बिदर के लोग चीन और पाकिस्तान नजर आ रहे थे। इस मरतबा फिर अगर लॉकडाउन का फैसला लिया जाता है तो वो सही नहीं होगा। ऐसा मालूम हो रहा है कि बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी के सबने इंतखाबात के नतज जैसे ही आएंगे इम्कान है कि 2 मई के बाद बीजेपी लॉकडाउन का फैसला करेगी। गुज़िश्ता साल के लॉकडाउन से 10 करोड़ गरीबों की नौकरियां चली गईं, मुलाजमीन की तनख्वाहें कम हो गई। गुज़िश्ता साल वजीर आजम ने जो गलती की थी वो गलत फैसला अब ना करें।
अरब ममालिक में कोरोना केसों में इजाफा। अरब और दीगर ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इजाफा सामने आया है। इराक में 7,000 से ज़ायद, मिस्र में 790 तकरीबन, जबकि लबनान में 3,500 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इराकी वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 34 हलाकतों के बाद अब तक 14,606 अफराद इस मोहलिक वायरस से हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिन के दौरान 7,817 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 9,03,439 तक पहुंच गई है। लेबनान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,510 केसेस की तस्दीक होने के बाद मजमूई तादाद 4,79,428 हो गई है, जबकि 24 घंटों में 37 अफराद हलाक हुए। इसी तरह फलस्तीन में गुजरे 24 घंटों में कोरोना से 28 अफराद हलाक हुए, जबकि 2,884 नए केसेस की तस्दीक और 1,898 मरीज सेहतियाब हुए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से सेहतियाबी का तनासब 88.1% है, जबकि हलाकतें 1% है। 201 मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है, जिनमें से 61 वेंटिलेटर पर हैं। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और स्टाफ को चावल और रकम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, स्कूल्स खुलने तक स्कीम जारी रहेगी, इस्तेफादा कुनिंदगान के अकाउंट्स में रकम जमा करवाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जिले कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, वजीर बीसी वेलफेयर व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर और हुकूमत के मशीर आला राजीव शर्मा ने कलेक्टर्स पर जोर दिया कि वह तमाम मुसलमा यानी रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स के तदरीसी और गैर तदरीसी यानी टीचर्स और स्टाफ के लिए 20 किलो बारीक चावल और 2,000 रुपये की रकम महाना फराहम करने को यकीनी बनाएं। इस मौके पर वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इस इंसानी जज्बे की सताइश की। उन्होंने कलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो खानगी स्कूल्स यानी प्राइवेट स्कूल्स के सिलसिले में महकमे तालीमात के पास दस्तियाब तफसीलात से इस्तफादा करें और इस्तफादा कुनिंदगान की शनाख्त में काफ़ी एहतियात किया जाए। महकमे तालीम तमाम अजला को एक लिंक भेजेगा, जिसके जरिए इस महीने की 10 से 15 तारीख के दरमियान डाटा अपलोड किया जाना चाहिए। 16 से 19 अप्रैल के दरमियान जांच और मसाइल की एक्सुई की जानी चाहिए। 20 से 24 अप्रैल के दरमियान इस्तफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट रकम जमा करवाई जाएगी। इसी तरह इन दिनों के दौरान राशन के दुकानात के जरिए इस्तेफादा कुनिंदगान में चावल की तकसीम होगी। वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि स्कूल्स के खुलने तक ये स्कीम जारी रहेगी। वजीर बीसी वेलफेयर कंगुला कमलाकर ने कलेक्टर से कहा कि मंडल की सतह के स्टॉक पॉइंट में मुनासिब स्टॉक रखा जाए। कलेक्टर्स इन दो महीनों के दौरान स्कूल्स को तकसीम किए गए चावल से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स को चाहिए कि वो इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए एक सिस्टम को हतमी शक्ल दें जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हकीकी इस्तेफादा कुनिंदगान छूटने ना पाए। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में 1,45,000 से ज़ायद टीचर्स और स्टाफ काम करता है। उन्होंने हर महीना 2,000 रुपये की इमदाद पर 29 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी, जबकि 25 किलो चावल की तकसीम पर हर महीना 13,57,00,000 रुपये के खर्च आयद होंगे। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 3,625 मेट्रिक टन धान की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए इनके महकमा खानगी असातिज़ा और अमले को चावल सरबराह करने मुकम्मल तौर पर तैयार है। जारिया महीने से यानी इस महीने से ही प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ को हुकूमत की इमदाद फराहम की जाएगी। रियासत के 33 अजला में इस्तफादा कुनिंदगान को राशन शॉप्स पर ही इन्हें ये इमदाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बाईस रियासत की आमदनी में काफ़ी कमी हुई है, इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। दुनिया भर में एक दिन में 9,00,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर। दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया में 9,13,599 अफराद इस वबा से मुतासर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSE की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक में मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 13,37,10,324 हो गई है, जबकि अब तक वायरस से 29.15 लाख से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं।